ये अग्निपथ जो योजना है इसके बारे में कई नौजवानों ने पिछले दो दिन में मुझे सोशल मीडिया पे लिख के, फेसबुक ट्विटर पे लिख के अपनी चिंताएं मेरे सामने रखी। हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। केवल जो पेपर की फीस होती है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उससे सरकार 1300 करोड़ रुपए हर सालाना कमाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाएं, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े उठेंगे। देश में आज दो समस्याएं बहुत प्रमुख हैं, लेकिन मैं आज शुरुआत करूंगा बेरोजगारी की समस्या से, जिससे कोई आदमी अछूता नहीं है, वंचित नहीं है। यहां से मुझे दर्जनों फोन रोज आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के लोगों के माध्यम से, जो मुझे बार बार एक चीज दोहराते हैं कि रोजगार की लड़ाई में कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ते जा रहा है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले जो ऐलान किया कि हम 2 साल में 10 लाख नई नौकरियां देंगे, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और उनका तरफ आभार प्रकट करता हूं। यह सच है कि यदि 10 लाख नौकरियां 2 साल में मिलेंगी तो देश में बहुत सारे परिवार खड़े उठेंगे, लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार का अपना आंकड़ा कहता है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाएं, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े उठेंगे। हमारे देश में अगर एक आदमी का खून गिरता है तो पूरे देश का खून गिरता है। जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरा देश का सपना टूटता है। ये सवाल किसी दूसरे का नहीं है, आग कहीं और से शुरू होती है, मोहल्ले में घर हमारा भी है। हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है। ये 1 करोड़ 60 लाख नौकरियां, लगभग 1 करोड़ केंद्रीय सरकार की और लगभग 70-75 लाख लगभग राज्य सरकारों, इसकी भरपाई के लिए हम लोगों को लगातार अपनी बात जगह जगह पे रखनी है। सरकार अक्सर ये कहती है कि हमारे पास आर्थिक प्रबंध इस समय नहीं है। ये बात सही नहीं है। क्यों? जब सरकारी नौकरी बनती है तो कोई भी सरकारी नौकरी हवा में नहीं बनती। सरकारी नौकरी बनने के साथ साथ ज्यों का त्यों
आर्थिक प्रबंध होता है, अगर उस पैसे का कहीं और उपयोग हो गया तो इसके जिम्मेदार देश के नौजवान, देश के किसान और हमारे नौकरी ढूंढने वाली पीढ़ी नहीं है। जो सरकार ने वादा किया है, हम देश की जनता उम्मीद ये करते हैं कि उस वादा की पूर्ण पूर्ति होगी। क्या आप एक बात जानते हैं कि हमारे देश में अनेक सरकारों को मिला के केवल जो पेपर की फीस होती है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उससे सरकार 1300 करोड़ रुपए हर सालाना कमाती है। 1300 करोड़ रुपए। सरकार का काम गरीबों के सपने के ऊपर एक बाजार और व्यापार खोलना नहीं है, सपनों की पूर्ति करना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो परीक्षार्थी है उसके एग्जाम देने पर यदि जगह नहीं मिली तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार उनका एग्जाम फीस उनको लौटाना चाहिए वापस। कोई भी पारदर्शिता या समय सीमाबद्ध प्रणाली नहीं है हमारे देश में। आप जानते हो कि अक्सर ऐसा होता है कि 2016 में कोई परीक्षा लिखता है और जॉइनिंग लोगों की होती है 2022 में। क्यों? क्या आप जानते हो कि हमारे देश में जब एक नौजवान किसान, छोटा व्यापारी जाके लोन लेने की प्रक्रिया शुरू करता है तो इसके आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं, 80% के आसपास लोन हमारे देश में, सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, लगभग 80% लोन उन उद्योगपतियों को केवल मिलते हैं जिनकी सालाना लेन देन, जिनका ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। 55% केवल उन लोगों के पास जाता है जिनका सालाना लेन देन 1000 करोड़ से ऊपर है। यह सरकारी आंकड़ा है वित्त मंत्रालय का। जो बाकी 20% है वो कहां जाता है? 20% में 13% उन उद्योगों को जाता है जो सालाना लेन देन 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक है। इसका मतलब 99.9% जो भारत है उसको मात्र 7% लोन मिलता है हिंदुस्तान का। अब जब एक आम आदमी आत्मनिर्भर होने का रास्ता तय करेगा तो क्या वो अपने माता पिता से पूरे पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि इतनी किसी के पास आमदनी नहीं है, उसको बैंक से मदद की जरूरत है। अब जब बैंक में सारे मदद की प्रणाली ही समाप्त है एक आम इंसान के लिए, तो वो सपना क्या साकार हो सकता है? आप मुझे बताइए। हम लोग ये चाहते हैं कि 10 लाख नौकरियां जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित की वो जल्दी से जल्द हो, मुझे पूरा भरोसा है होगा। साथ साथ जो 2014 में मुख्य पत्र में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष मिलेगी, उसके ऊपर भी हम लोगों को सोचना है। और मैं जानता हूं कि दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां इस समय बहुत आसान नहीं है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं डाल रहा, लेकिन मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं कि ये 10 लाख शुरुआत होनी चाहिए, ये 10 लाख इस रास्ते का अंत नहीं होना चाहिए। जो 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी वो नौकरियों की पूर्ति भी होनी चाहिए देश में, तभी गरीबी छटेगी।
बात करना चाहता हूं इस अग्निपथ योजना की, जिसके ऊपर आज ही मैंने एक पत्र लिखा है माननीय रक्षा मंत्री जी को। यह अग्निपथ जो योजना है, इसके बारे में कई नौजवानों ने पिछले दो दिन में मुझे सोशल मीडिया पे लिख के, फेसबुक ट्विटर पे लिख के अपनी चिंताएं मेरे सामने रखी हैं। भाइयों, मैं सेना में तैनात एक नौजवान को एक सरकारी नौकर मुलाजिम नहीं मानता, मैं उसको एक तपस्वी, एक योद्धा मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो आदमी ने अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर करके अपने देश के नाम त्याग करते हुए दिया है, वो आदमी तनख्वाह के लिए नहीं जी रहा, वो आदमी देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए जी रहा है। हम उसको तनख्वाह तक सीमित ना करें, ना उसको आंख है तनख्वाह से। भाइयों, सेना की तैनाती एक बहुत घोर संकल्प और तपस्या है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज अगर कोई ये कहे कि आधे समय कोई परचून की दुकान चलाएगा और आधे समय कोई सेना का काम करेगा, तो क्या हमारी देश के रक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि नहीं उठेगा? हम लोग आज आपके माध्यम से एक प्रश्न उठा रहे हैं, जो इस देश का हर नौजवान उठा रहा है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि आज सरकार को 5 साल मिलते हैं देश की सेवा करने के लिए, वरुण गांधी को 5 साल मिलते हैं पीलीभीत के जनता की सेवा करने के लिए, तो फिर नौजवानों को देश की सेवा करने के लिए केवल 4 साल क्यों मिल दिए जा रहे हैं? ये सवाल हर नौजवान के सीने में है कि नहीं है? हम लोग भर्ती प्रणाली पे बहुत दिन से चिंतित हैं। 17 से लेकर 21 तक सेना की भर्ती होती है। मैं सरकार से आज प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर कोई 22 साल का नौजवान है तो क्या उसकी जवानी चली गई है? उसकी जवानी कोई काम की नहीं है देश के लिए? अगर कोई 24 साल का लड़का है तो क्या, अगर वो देश के लिए अपना खून देना चाहता है तो क्या उसका खून बेकार है देश के लिए? ये प्रश्न हमको पूछने चाहिए। आज आप किसी टीवी उठा के देखो, केवल हिंदू मुस्लिम नफरत गर्दी चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम लोग इस माहौल में लाखों लोगों को लेंगे, उनके बाद 4 साल बाद हम उनको छोड़ देंगे एक छुट्टे सांड की तरह गांव में, और हम उनको बोलेंगे कि 4 साल तक तो आपका बहुत मान सम्मान था, 4 साल तक तो हमने आपको सलामी ठोकी, हमने आपको फौजी साहब कहा, और अब आपको प्राथमिक विद्यालय के बर्तन मांजने पड़ेंगे, तो क्या इसका सेना के ऊपर, सेना के मनोबल के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब 4 साल एक आदमी वो वर्दी पहनेगा, जिस वर्दी पे हम सब लोगों को गौरव है, और 5 साल बाद वैसे लोग आत्महत्या करेंगे गांव-गांव में, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, वो डिप्रेशन में आएंगे। अगर उनकी शादियां होंगी, 4 साल बाद उनको उनके ससुराल वाले पूछेंगे कि भैया पहले तो बड़ा रुतबा था तुम्हारा, लव लश्कर था, अभी आप बेकार हो गए हो, आप तो पड़े
ओ गांव में अब क्या होगा आगे हमारे बिटिया का, क्या जवाब देंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या एक एक आदमी जो सेना में इस अग्निपथ योजना के द्वारा जा रहा है, क्या उसके 4 साल के बाद क्या आप सबका सम्मानजनक पुनर्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनको पुलिस की भर्ती या कोई उद्योग में भर्ती देने के लिए तैयार हैं? भाइयों, आज हमारे देश में एक नई सोच की जरूरत है, और वो सोच ये है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज नहीं सुनी जाए, तब तक कोई कानून देश में बनना नहीं चाहिए। हम लोग ऊपर से नहीं बोल सकते कि ये होगा और ये होगा, तुगलकी फरमान नहीं चल सकता। हमको देश के लोगों की नब्ज पहले जाननी चाहिए, हमको देश की भावनाओं को पहले सम्मान और आदर के साथ सुनना चाहिए, हमको पहले ये समझना चाहिए कि समाज का जो कि जो रीति नीति है वो किस बात से उठेगी और किस बात से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, और ये समझ के कोई कदम हम लोगों को उठाना चाहिए। सवाल रोजगार का केवल नहीं है, सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है, सवाल हमारे देश का मान सम्मान का है। यही जोश मैं आपके अंदर हर समय देखना चाहता हूं, इसी भरोसे के साथ मैं आपकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।